हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी भी बन सकते हैं। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है, आपको बहुत खुश करेगी, क्योंकि हम आज यही देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपको क्या बहुत खुश करने वाला है। तो अपनी मनपसंद बटरफ्लाई को चूज कर लीजिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं आने वाले वक्त में आपको क्या खुश करेगा। और अगर समझ में ना आए तो तीनों आप बटरफ्लाइज देख सकते हैं, यानी तीनों पाइल्स को चेक कर सकते हैं। तो वेलकम पाइल नंबर वन, जिन्होंने फर्स्ट बटरफ्लाई को चूज किया है, मैं देखूंगी आपको आने वाले वक्त में क्या बहुत खुश करेगा। तो मेरी एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्ट करें। Thank you, Divine, for the answers. क्या आपको बहुत खुश करेगा? Wow, the lovers. The Fool. दो major arcana cards हैं friends. स्ट्रेंथ, वाओ, तो ये तो बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, कुछ मेजर होने वाला है आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत खुश करने वाला है। और यहाँ पर मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि अगर किसी ने पहले किसी और को चूज कर लिया था आपकी जगह पे, या पहले उनके पास कोई और चॉइसेस थे, कोई और ऑप्शंस थे, और या फिर कोई और प्रॉब्लम्स में वो थे और वो अपने दिल की नहीं सुन पा रहे थे, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, ये आप, ये एक ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और इस जैसे इस रिलेशनशिप की तरफ आने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेंथ को अपनाया है, या इनको बहुत बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और इसीलिए फूल का कार्ड आया है, और फूल के कार्ड के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई पार्टनरशिप, ये बहुतों के लिए ये लव सिचुएशन है। और अगर ये लव सिचुएशन नहीं है तो फिर कोई पार्टनरशिप है जो इनको काफ़ी अपने अंदर काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही है आपकी तरफ आने के लिए, और इस पार्टनरशिप को एक मौका देने के लिए। तो लीप ऑफ फेथ, किसी कोई बहुत कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है और आपको बहुत खुश करेगा। ये आपका पास्ट पर्सन है, और क्यों आपको खुश करेगा ये? इस पर्सन का आना आपको क्यों खुश करेगा? टू ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूज थे शायद आप ही की जिंदगी जो है कुछ हद तक आपको जैसे आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं थी। तो ये जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और ये पर्सन जो है एक मौका देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये बहुत कुछ छोड़कर आएंगे और एक तरह का यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो ये आपको खुशी देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज थे। और यस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ये यही बता रहा है कि आप इस इंसान को भूल नहीं पाए थे। ये इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। तो क्यों खुश होंगे आप? ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों को ही कंफ्यूजन रहा होगा, या किसी एक इंसान को बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, आप इसे कभी लेट गो नहीं कर पाए हैं, और आपने काफ़ी जैसे हार्ट ब्रेक को महसूस किया है इस इंसान को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। और टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी विश फुलफिलमेंट, ये कईयों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हो, या फिर कईयों के लिए एक न्यू एनर्जी है, और ये भी हो सकता है कि आपके जो पास्ट पर्सन है वो एक न्यू एनर्जी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरे सरेंडर में आ रहे हैं। और वाओ,
आपको विश फुलफिलमेंट मिल रही है, आपको आगे चल के वो सारी खुशियां मिल रही हैं जो आप चाहते हैं। और आपके लिए 3 मेजर अरकाना कहा जाए तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है आपकी लाइफ में। जैसे आप जो चीज को चाहते थे, आप जिस चीज के लिए हो सकता है दुआएं मांगते थे, तो वो अब पूरा होने वाला है। और पहले किसी को अगर स्ट्रेंथ नहीं थी, कोई बहुत वीक था और कोई अच्छे से सोच नहीं पा रहा था, तो अब वो उनको क्लैरिटी है और इसलिए वो आपकी तरफ आएंगे। तो ब्यूटिफुल, तो ये लव रिलेशनशिप भी है और बहुतों के लिए लव रिलेशनशिप है, अगर नहीं तो फिर कोई आपके लिए पार्टनरशिप है। तो थैंक यू पाइल नंबर 1 फर्स्ट बटरफ्लाई के लिए प्यार का संदेशा आ रहा है। अब वेलकम पाइल नंबर 2 सेकेंड बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, हम देखते हैं कि आपकी तरफ कौन सी खुशियां आ रही हैं, क्या आ रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा। देखिए मुझे प्लेन की आवाज आ रही है, तो ऐसे लग रहा है मानो कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। तो बटरफ्लाई नंबर 2, लेट्स सी आपको क्या खुश करेगा। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू डिवाइन फॉर द आंसर। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये सारे रोमांटिक मैसेजेस आ रहे हैं आज और सब रोमांस से रिलेटेड हैं, तो आई थिंक यूनियन का वक्त आ गया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, वंस अगेन लवर्स, ये फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था। तो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, ओके, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो किंग ऑफ कप्स में, जैसे इस वक्त जो मुझे दिख रहा है, ये एक यू नो बोट दिख रही होगी आपको इसमें, और ये सी और बोट, ये हमें बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है। आपने जैसे किसी एक पर्सन ने यहाँ पर टोटली सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल जैसे लेट गो कर दिया है इस रिलेशनशिप को, और मुंह मोड़ लिया है, या आप मुंह मोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, और अब जो है कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। और ये जैसे आप बिल्कुल मेंट टू बी था, जो किंग और क्वीन ऑफ कप्स आया है, ये हमें बता रहा है कि आप दोनों को ही आभास था कि ये जो है यू नो यू आर द ओनली वन फॉर मी, ये जब फीलिंग आती है ये दोनों की तरफ से म्यूचुअल थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस की वजह से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो लेकिन अब जो होगा, कोई अगर ट्रैवल करके आ रहा है या कोई बहुत मैच्योर्ड हो चुका है पहले से और अब बहुत क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर के, तो ये आपको बहुत खुश करने वाला है। और क्यों खुश कर रहा है ये आपको, थोड़ा और देखते हैं क्यों खुश कर रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जैसे यही पर्सन, सेम पर्सन की ये दोनों एनर्जीज हैं, यू नो, काफी मैच्योरिटी, विजडम और क्लैरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे, काफी वाइज सोल बन चुके हैं। और हो सकता है आपने बहुत हार्ट ब्रेक, क्यों खुश करेगा, क्योंकि आप बहुत हार्ट ब्रोकन थे, आप एकदम रिजेक्टेड फील किए हो सकते हैं, लेकिन अब ये इंसान जो आपकी तरफ आएंगे और जो आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, ये आपके लिए विक्ट्री लेकर आएगा, यानी ये आपकी जीत होगी एक तरह की। तो ये जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये यही बता रहा है कि
ये पर्सन आपको यू नो बहुत एडमायर कर रहे हो सकते हैं, और वो भी सामने से नहीं, बहुत छुप छुप कर, यू नो, हो सकता है आपके सोशल मीडिया को देखकर, आपकी पिक्चर्स को देखकर, आपके काम को देखकर, आपकी पर्सनालिटी से, या किसी ना किसी रूप में ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहा है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है। हो सकता है आपको कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया हो पहले, क्योंकि ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही बता रहा है, पर अब जो है ये काफ़ी क्लैरिटी गेन कर चुके हैं, मैच्योरिटी गेन कर चुके हैं और बहुत वाइज बन चुके हैं। तो ये डिफरेंट एनर्जी में ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जैसे हमने सेकेंड टाइम पूछा कि क्यों आपको खुश करेगा, क्योंकि अब उनकी जो एक अलग एनर्जी को आप देखेंगे, पहले हो सकता है आपने सिर्फ एक पैशन को देखा हो, लेकिन अब आप उनको एक वाइज सोल के रूप में देखेंगे, बहुत मेच्योर्ड, बहुत ठहराव के साथ, ब्यूटिफुल एनर्जी में, यू कहें कि अगर ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में, तो कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा, और ये बहुत लंबा इंतजार रहा है, ठीक है, ये बहुत लंबा इंतजार रहा है आपके लिए, एंड ये आपकी विक्ट्री है। तो ये आपको जैसे यूनिवर्स आपको विक्टोरियस घोषित करने वाले हैं, जो आपको बहुत खुश करेगा। तो गिव अप मत करिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंसान जो है, अगर आप किसी रिजेक्शन से भी गुजरे हैं और आपने अपने आप को बहुत लो फील किया है इस वजह से, बहुत रिजेक्टेड फील किया है, आपको लगा होगा कि आप अच्छी चीज़ों को डिजर्व ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। जब आप लेट गो कर देते हैं, जब आप सही पाथ पर होते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए जो है उसे आप तक पहुँचाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर बटरफ्लाई नंबर टू। अब मैं चलती हूँ बटरफ्लाई नंबर थ्री की तरफ। तो वेलकम जिन्होंने थर्ड बटरफ्लाई को चूज किया है। तो देखते हैं आपके लिए कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो आपको बहुत खुश करेंगी। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर शायद तीनों मैसेजेस देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। फर्स्ट दोनों मैसेजेस ही रोमांस से रिलेटेड थे, ज़्यादा लग रहा था कि रोमांटिक सिचुएशन के लिए हैं। तो थर्ड मैसेज हम देखते हैं क्या है जो आपको बहुत खुश करेगा। तो मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और देखते हैं कि क्या आ रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा। सो थैंक यू डिवाइन फॉर द आंसर्स। क्या आपको बहुत खुश करेगा आने वाले वक्त में। King of Swords, the World, King of Wands। आज की रीडिंग अगर मैं तीनों पाइल्स को देखूं तो ये किंग की एनर्जी से भरी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर ऐसे वाओ, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आया है, एंड ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे साथ है वर्ल्ड का कार्ड। ब्यूटिफुल। तो बहुत कुछ बदल रहा है, और ये बदलता हुआ वक्त जो है आपको जैसे आज तक जिस चीज के लिए प्रिपेयर किया गया है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही नहीं है। आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं, आपको पता है कि ये सारी प्रिपरेशन क्यों हो रही है। तो आपका जो वक्त बदल रहा है, आप आगे चलकर बहुत ट्रैवल करेंगे, बहुत एक अलग स्ट्रेंथ के साथ एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत खुश करेगी। और वक्त बदल रहा है, मैं यूं कहूंगी कि जो एक लंबा इंतजार आपने किया, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत क्लैरिटी, बहुत जल्दी वक्त बदल रहा है, एकदम फास्ट चीजें अब चेंज होंगी आपकी लाइफ में, और आप उस स्टेबिलिटी को महसूस करेंगे जो आप पहले नहीं कर पाए थे। पहले आप विजडम गेन कर रहे थे, पहले आप इस एनर्जी में थे, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे आपको लग रहा था कि कोई आपका साथ नहीं देता, या आपको बहुत लोगों ने डिच किया, बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाया, झूठ बोला, कुछ ऐसी तरह की एनर्जी में आप थे। लेकिन जो अब आने वाला वक्त है, तो ये वक्त बदल रहा है आपके लिए। कोई बहुत स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आप, और आपके हो सकता है ये लव सिचुएशन भी हो, क्योंकि
यहाँ पर मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी था और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी था और प्लस किंग ऑफ वॉन्ड्स भी था. तो कहीं पर अगर आपकी आपकी पार्टनर के साथ कोई लड़ाई हो गई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ ऐसा कोई मनमुटाव था, तो वो अब ठीक हो जाएगा क्योंकि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और बहुत बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. और अब आप जैसे जिंदगी के लिए एक नए पैशन को फील करने वाले हैं. जिंदगी अब रफ्तार से बढ़ने वाली है आगे और चीजें चेंज हो रही हैं. और क्लैरिटी से अब आपको क्लैरिटी भी मिलेगी आगे के रास्ते के लिए, आपको रास्ता दिखाई देगा. और क्यों खुश करेगा. किंग एंड क्वीन से रीडिंग भरी हुई है. वाह. तो बहुत लोगों के लिए आई थिंक लव एंड रोमांस का वक्त है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है हमारे पास. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, वक्त बदल रहा है. आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. ये सारी एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे फ्रेंड्स और एक न्यू शुरुआत. एस ऑफ पेंटिकल्स. बहुत फास्ट ये शुरुआत बहुत फास्ट होने वाली है. और क्योंकि ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का उनकी एनर्जी जो हमारे पास आई है, यही हमें बता रही है कि ये शुरुआत जो बहुत पैशनेट एट ऑफ वॉन्ड्स हमारे बॉटम ऑफ द डेक में है, तो पहले अगर आप कोई स्टक एनर्जी में थे, पहले किसी चीजों में आपका काम नहीं बन रहा था, तो अब जैसे काम बनना शुरू होगा, एक न्यू शुरुआत, जैसे यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं और आपके काम बनेंगे आगे चल करके, क्योंकि वक्त बदल रहा है. आप बहुत सारे आप पास्ट एनर्जी को छोड़ रहे हैं और ये जो पास्ट छूट रहा है फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें छूट रही हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है और ये आपको जिस रास्ते पर लेकर जाएगा, जो ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स देंगे, जो ये न्यू बिगिनिंग होगी आपके लिए, ये आपके लिए खुशियां लेकर आ रही है. क्या लेकर आ रही है फाइनली. वाओ, एम्परर. तो यहां पर वंस अगेन मैं यही बोलूंगी कि आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है, आपके लिए पावर आ सकती है. यहां मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल पोजीशन में आ सकते हैं. ठीक है. कुछ ऐसी शुरुआत जो आपको लाइमलाइट में लेकर आ सकती है और फास्ट फास्ट आपकी जिंदगी में ये चेंजेस आ सकते हैं जो आपको बहुत खुश करेगा. लेकिन आपका जो हार्ट ब्रेक या आप बुरे टाइम से जो गुजरे हैं, तो आप बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है. आप बिल्कुल एक नई रोशनी में आ रहे हैं, एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं, सारी स्ट्रेंथ गेन करके. यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल जो कंफ्यूजन, जो पास्ट के दुख और दर्द, या यूं कहें कि आप जिस भी चीज में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, वो पीछे छूट रहा है और एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है जो आपको बहुत खुश करने वाली है. यस, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास अगेन है टू ऑफ कप्स. तो आज के तीनों पाइल्स आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड लग रहे हैं मुझे. बहुत सारे मैसेजेस जो हैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर के हैं आज, और यही रोमांस ही शायद जिंदगी में भरने वाला है जो आपको बहुत खुश करने वाला है. तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए. मोर मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया.